भिवंडी के बरला देवी तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। घटना कल दोपहर में हुई है। भिवंडी पटेल कंपाउंड के रहने वाले करीब 6 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, मगर तभी उसमें से एक बच्चा डूबने लगा और उसे बचाने के लिए एक और बच्चा आगे बढ़ा, मगर दोनों डूब गए। बाकी बच्चे घबरा कर इसकी जानकारी लोगों को दी। तालाब के आसपास लोग इकट्ठा हो गए और बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। करीब 3 बजे के आसपास एक बच्चे की डेड बॉडी बरामद की गई, लेकिन दूसरी डेड बॉडी करीब रात 9 बजे के आसपास तालाब से बरामद की गई। मृतक बच्चों का नाम अमान आरिफ चौस है और दूसरे बच्चे का नाम अमान सरफराज अंसारी है। पुलिस ने दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि तालाब से दोनों डेड बॉडी स्थानीय लोगों ने ही ढूंढ कर निकाला है। सुबह उसका पूरा जानकारी देंगे, कैसे क्या घटना घटी यहाँ पर? ऐसा ना, सुबह में 5-6 बच्चे आए थे मोहल्ले से नहाने के लिए, तो छोटे छोटे थे काफ़ी, 12 साल 15 साल के, तो उसमें से 2 जन डूब गए थे। एक डूबा पहले, तो दूसरे को बचाने के लिए उसका दोस्त गया, तो वो भी बेचारा अंदर रहा। तीसरा गया तो तीसरा बाहर आ गया, और बाकी को इधर थोड़े बच्चे लोग आदमी लोग बैठे थे, उन लोग चिल्लाए तो वो लोग भाग गए, पर 2 जन थे वो डूब गए थे। तो यहाँ के बच्चे लोग बैठे हुए थे वो नीचे गए, एक जो था लड़का छोटा उसको निकाल के लेके आ गए, और एक और नहीं मिला था, तो उसको अभी काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। तो सब यहाँ के मिल के और नाके के सब बच्चे मिल के आए, अभी अंदर कूदी मार के अभी ये दूसरे बच्चे को भी बाहर निकाले। फायर ब्रिगेड के कोई यहाँ पर? फायर ब्रिगेड के लोग आए थे काफ़ी, उन्होंने भी मेहनत किया, लेकिन अंधेरा हो गया था, तो बोले अब रात में हम लोग नहीं करेंगे, अगर होगा तो हम लोग सुबह रिटर्न आते। पहली बॉडी कितने बजे मिली? पहली बॉडी मिली थी 3 बजे। हाँ, बच्चे कितने बजे नहाने के लिए आए थे यहाँ? 12 बजे सुबह में। दूसरे बच्चे की बॉडी कितने बजे मिली? दूसरे बच्चे की अभी मिली 9 बजे। नाम मालूम है आपको? नाम है दोनों का अमान। अमान। कितने कितने साल के होंगे? एक है 15 साल का था और एक था कुछ 12-13। ये जो हमारे मोहल्ले के 6 बच्चे लोग इधर शाम दोपहर में नहाने आए थे, और उसमें से 2 बच्चे लोग का इंतकाल हो गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये यहाँ पे पूरी जो तालाब की जो भी पूरी बाउंड्री है पूरी टूटी फूटी है। यहाँ पे नगर पालिका को वॉचमैन रखना चाहिए, कौन से बच्चे नहाते हैं उनको देखना चाहिए, कौन बच्चे नहा रहे हैं उनको भगाना चाहिए, वॉचमैन रहना चाहिए 2-4। वराल देवी इतना, यहाँ पीने का पानी पूरे शहर में जाता है, उसके बावजूद यहाँ पे नगर पालिका बेपरवाह होकर ये ऐसा काम करती है। पूरी टूटी फूटी बाउंड्री है, कहीं भी बच्चे उतर के नहाते हैं, और इस तरीके से हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा हादसा हो गया है। जिनके बच्चे गए उनके उनकी दिल से पूछो उनकी हालत क्या हो रही होगी, और बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, और उनकी माँ बाप और उनका किसी का एकलौता बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं। ये नगर पालिका इतनी बेपरवाह तरीके से काम हो रहा है, अभी पूरी बाउंड्री खुली है, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, तो वॉचमैन रहेगा तो उनको भगाएगा, तो ऐसा हादसा होने से बचेगा?